बीते 36 घंटों से सीमा हैदर फरार है। पता नहीं है कि सीमा और सचिन कहां पर छिपे हुए हैं या फिर कहां पर चले गए, और क्या ये बात सच है किसी नेता के माध्यम से सीमा पाकिस्तान से इंडिया आई हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुत बड़ा खुलासा किया जा रहा है। बताया जाता है कि बीते 36 घंटों से सीमा हैदर और उसका जो पति है सचिन फरार है। कहां पर है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से परसों इंटरव्यू दे रही थी सीमा हैदर, लेकिन अब फरार है, इसीलिए मीडिया के कैमरों के सामने नहीं आ रही हैं। तमाम बड़े खुलासे किए गए हैं और जो खुलासे किए गए हैं वो खुलासे काफी चौंकाने वाले हैं। और अब तो बीजेपी के सांसद भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर से पूछताछ की जाए, पूरे मामले की जांच करवाई जाए। आपको रफ्तार की एक खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए सीमा हैदर को लेकर साक्षी महाराज का बयान। कहा केंद्र करे गहनता से जांच, कहीं इस प्रेम में कोई साजिश तो नहीं है। लंबे समय से यही आशंका जताई जा रही थी कि सीमा हैदर जो है वो दरअसल बहू नहीं है और राष्ट्रीय भाभी नहीं है, बल्कि वो एक साजिश के तहत भारत में आई है और जासूसी कर रही है। रिपब्लिक भारत की मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। रिपब्लिक भारत ने दावा किया है सीमा हैदर को भारत लाने में किसी नेता का हाथ, तो इसीलिए पाकिस्तान आई है सचिन की दुल्हनिया। पाकिस्तान से सचिन की दुल्हनिया भारत आ गई है। और अब लगातार हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और बताया जा रहा है सीमा हैदर जो हैं उनके कई पहले दोस्त भी रहे थे जिनको इन्होंने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था, और सीमा हैदर तैयार थी उन सभी लड़कों के पास जाने के लिए। एक दोस्त सीमा हैदर का है, वो साफ तौर पर बकायदा मीडिया के कैमरे पर कह रहा है सीमा हैदर उसके साथ आने के लिए तैयार थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। रिपब्लिक भारत लिखता है पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद अबुल बासित ने रिपब्लिक भारत के शो पूछता है भारत पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा सीमा हैदर एक धोखेबाज औरत है और उन्हें भारत भेजने के पीछे किसी भारतीय नेता का हाथ है। उन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई पाकिस्तानी औरत 4 बच्चों के साथ बिना किसी सपोर्ट के नेपाल के रास्ते भारत पहुंच जाए। किसकी साजिश है, वो कौन सा नेता है जो सीमा को जो है कि भारत बुला लिया, और किस तरीके से पूरी टीवी की मीडिया बौखला गई थी या यूं कह ले पागल हो गई थी सीमा के पीछे। रात में 12 बजे 2 बजे 1 बजे 11 बजे सुबह 6 बजे ये टीवी चैनल वाले पहुंच जाते थे और सीमा हैदर से इंटरव्यू की मांग करने लगते थे। रिपब्लिक भारत की एक रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर और है, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है सीमा हैदर मुसलमान नहीं साइकोपैथ। रिपब्लिक पर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अपने कई जो है सबूत को रख दिया है और कहा है कि सीमा जो है वो साइकोपैथ हैं और सीमा हैदर मुसलमान नहीं है। बासित ने कहा कि सीमा हैदर के पाकिस्तान में कई अवैध रिश्ते भी हैं, सीमा हैदर फ्रॉड है, वो कई लोगों को अब तक धोखा दे चुकी है। यानी सीमा हैदर जो है एक धोखेबाज महिला है, साफ तौर पर इसको रिपब्लिक भारत ने अपनी वेबसाइट पर छापा है। वहीं आगे लिखता है रिपब्लिक भारत पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद अबुल बासित अली ने कहा कि पाकिस्तान से भागने के पीछे सीमा का कोई लव एंगल नहीं है। बासित अली ने कहा कि सीमा को सीमा हैदर नहीं कहा जाना चाहिए। बासित ने कहा कि सीमा एक साइकोपैथ है। अली ने कहा कि इसे लेकर उसके पास जो है कई सबूत भी हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा सीमा ने कई लोगों को धोखा दिया है। बासित ने कहा कि उसने खुद कई लोगों से बात की है। अली का कहना है कि जब सीमा पाकिस्तान में एक्सपोज होने लगी तो वह यहां से भाग करके
पाकिस्तान चली गई थी। और इसके अलावा सीमा हैदर ने भारत आने के लिए अपना घर बार बेचने का दावा किया था, लेकिन असल में वो पाकिस्तान में एक किराए के मकान में रहती थी। सीमा के मकान मालिक ने इसकी पुष्टि की है, यानी सीमा के पास पाकिस्तान में कोई घर नहीं था। और टीवी चैनलों पर बैठ करके सीमा हैदर साफ तौर पर कह रही है उसने 12 लाख 18 लाख 20 लाख रुपए के अपने घर को बेच करके सचिन के प्यार में पागल हो गई थी और सचिन के लिए वो भारत आ गई, इंडिया आ गई, वो भी अवैध तरीके से। कभी सीमा अपनी उम्र बताती 27 साल, उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन जो उनका पासपोर्ट है पासपोर्ट के मुताबिक अभी 22 साल की सीमा हैदर की उम्र है। तो बड़ा सवाल यही होता है उठता है कि पासपोर्ट झूठ बोल रहा है या फिर सीमा हैदर झूठ बोल रही हैं, अपने में बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब कौन देगा। इसीलिए नेशनल दस्तक पहले से लगातार सरकार को आगाह कर रहा था, सरकार को बता रहा था कि देखिए सीमा हैदर जो हैं आप उनको राष्ट्रीय भाभी मत मानिए, हो सकता है कि जासूस भी हों। और अब बताया जा रहा है बीते 36 घंटों से सीमा हैदर फरार हैं, सीमा हैदर कहाँ गई हुई हैं कुछ पता नहीं है। आपने भी देखा था सीमा हैदर जब इंडिया आई हुई थी और इसके बाद किस तरीके से सचिन और सीमा फरार हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस एक जांच बैठाती है और इसके साथ ही सीमा हैदर को और सचिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और मामला जब अदालत पहुंचता है तो अदालत जो है जमानत देने का काम कर देती है, यानी दोनों को जमानत दे दी जाती है। इसके बाद टीवी मीडिया सक्रिय हो जाती है, लेकिन अब लगातार हर रोज नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। और बताया जाता है सीमा हैदर के पास पाकिस्तान में 4 से ज्यादा बॉयफ्रेंड है, यानी वो पाकिस्तान में उनके कई अवैध रिश्ते भी हैं। और जब एक्सपोज हो गई तो इसके बाद वो इंडिया आ गई और कहा कि जो प्यार है, पबजी गेम खेलती थी और प्यार उन्हें सचिन से हो गया और इसीलिए पाकिस्तान से वो इंडिया चली आई। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि ऐसा लगता है अब तो टिंडर वालों को तो अपनी दुकानदारी समेट लेनी चाहिए, टिंडर को तो बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को प्यार तो साहब पबजी से हो रहा है। तो जो तमाम डेटिंग साइट्स बनाई गई हैं, तमाम जो मैट्रिमोनियल साइट्स है, लगता है उसका कोई काम हमारे देश में नहीं है। भारत के लोग तो अब जो है कि पबजी से प्यार कर रहे हैं, जबकि जो पबजी है वो इंडिया में पूरी तरीके से उस पर रोक लगी हुई है, बैन लगाया गया है। लेकिन चल क्या रहा है साहब, वो तो देखिए। इसके अलावा रिपब्लिक भारत ने एक आर्टिकल और लिखा है, सीमा हैदर मामले में सचिन के घर पहुंची यूपी पुलिस, क्या घुसपैठ कर भारत पहुंची पाकिस्तानी पर होगा एक्शन, यानी अब बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और तमाम लोगों की साफ तौर पर मांग है, जब मैं आम जनता के बीच जा रहा हूँ उन लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी चर्चा तो हर चाय की थड़ी पर हो रही है। सीमा हैदर प्यार के लिए वो पाकिस्तान से भारत आ गई है, प्यार में पागल है, 4 बच्चों को लेकर के आ गई। और सचिन कितना दिल वाला इंसान है, दिल खोल करके सीमा हैदर का स्वागत किया, सीमा हैदर को बहू बना लिया और कहा जो 4 बच्चे हैं उन 4 बच्चों का मैं पालन पोषण करूंगा। वे बच्चे 4 बच्चे हैं। सीमा हैदर एक टीवी इंटरव्यू में कहती हैं कि जो सचिन हैं, सचिन को अब उनके बच्चे पापा बोल रहे हैं और वे बच्चे मानते हैं सचिन ही उनके असली पिता हैं और असली माता तो सीमा हैदर खुद हैं ही। लेकिन पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तमाम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले की जांच करवाई जानी चाहिए, सचिन और सीमा दोनों का नॉर्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर जब इसमें कोई एंगल ना मिले कि कोई जासूसी का, इसके बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। और अगर जासूसी का कोई एंगल मिलता है तो सीमा हैदर को जेल भेज दिया जाना चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सजाए मौत भी सीमा हैदर को दी जानी चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में एंट्री की हैं। और सवाल तो अभी भी खड़े हो रहे हैं कि
कि जो हमारी जो बॉर्डर्स हैं, जो वहाँ पर तमाम जवान खड़े किए गए हैं, सिक्योरिटी तैनात की गई है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि देखिए जो सीमाएं हैं बहुत ज़्यादा सेफ हैं, लेकिन अगर सीमा जो है, बॉर्डर जो हैं, अगर वो सेफ है, सुरक्षित हैं, तो एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ इंडिया में कैसे प्रवेश कर जाती है, अपने में बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल अभी उठता है, इसका जवाब कौन देगा? किसी के पास है जवाब? और हर रोज सीमा हैदर पर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, और 36 घंटों से सीमा हैदर फरार है, कहां गई हुई है, किसके साथ गई है, क्यों गई है, कैसे गई है, कोई पता नहीं चल पा रहा है। और अब तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर जो है मुसलमान नहीं, बल्कि सीमा हैदर कुछ और है। वही TV9 भारतवर्ष ने एक रिपोर्ट छापा है, उस रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर जो है कई लोगों से संबंध होने के साथ ही मेंटल भी है, यानी उसका जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं करता, और अपने प्यार में कई लड़कों को फंसा कर रखी थी, और उसका जब पोल खुल जाता है तो इंडिया चली जाती है। आपको अभी भी क्या लगता है, जिस तरीके से तमाम राइट विंग के लोग थे, वे लोग पटाखे फोड़ रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, वहाँ पर नंबर लगाया जा रहा था, अरे राष्ट्रीय भाभी से, राष्ट्रीय भौजाई से मुलाकात करनी है, लेकिन राष्ट्रीय भौजाई की जो सच्चाई है वो परत दर परत अब सामने आ रही है, पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, और सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सीमा हैदर जासूस है या फिर भारत की राष्ट्रीय बहू है, भारत की राष्ट्रीय भौजाई है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।